और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर समाज के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा उपस्थित हुए। अजय मिश्रा बाबा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पेंशनर समाज की समस्या है जिसको हल करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं इनके कई गंभीर मुद्दे भी हैं जिनको हमने सुना है और पूरा कांग्रेस परिवार इन पेंशनर समाज के साथ है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर 5 साल मीठे पानी के नाम से लूट मचा के रख दिया। वहीं हमने MIC में बजट पास कर दिया है और बहुत जल्द ही रीवा को मीठा पानी मिलेगा। वहीं रीवा में नगर निगम के अंदर खुदाई की गई सीवर लाइन के नाम से रोड को मेंटेनेंस किया जा रहा है। पेंशन मध्य प्रदेश एसोसिएशन की बैठक थी जिसमें शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें इन लोगों का एक एजेंडा था कि जो संपत्ति कर बढ़ा हुआ है और शिक्षा उपकर बढ़ा हुआ है, नगर निगम का जल कर बढ़ा हुआ है, पेंशनर को उसमें राहत दी जाए। और एक मुद्दा इन्होंने रखा कि पेंशनर सयाने हो गए हैं, जल्दी नहीं जमा कर पाते बिल, तो उनको अधिभार न लगाया जाए। ये सब सारे मुद्दे थे। और बाकी उनके प्रांतीय मुद्दे हैं कि 5% DA नहीं मिल रहा है, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो आंदोलनरत रहेंगे। हम सब लोग कांग्रेस परिवार की तरफ से पेंशनर एसोसिएशन के साथ हैं। जैसा उनका मूवमेंट होगा, जैसा उनका आंदोलन प्रदर्शन होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए क्या है, 15 साल यहाँ रीवा विधायक पावरफुल मिनिस्टर थे और उनके इस पूरे 15 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसको सराहनीय किया जाए। एक सड़क का निर्माण अभी भी चल रहा है रतहरा से चौराहा, अब उसी में 171 करोड़ का फ्लाईओवर आ गया। मीठा पानी वो चिल्लाते रहे, 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रीवा के लोगों को आज भी मीठा पानी नहीं मिल रहा है। हमने 199 करोड़ की जल योजना को MIC से पास करके परिषद के माध्यम से शासन को भिजवाया है, उसकी जैसे मंजूरी हो जाएगी तो रीवा में शुद्ध पेयजल हम लोग व्यवस्था करा देंगे। शहर की सड़कें 120 किलोमीटर सीवरेज के नाम पर ख़राब हो गई। सीवरेज का शुरू से कांग्रेस पार्टी विरोध करती आ रही है, पर उस समय सत्ता के मध्य में थे ये सब और इन्होंने हमारी बातों को दरकिनार कर दिया। आज उसका ये परिणाम है कि पूरा शहर गंदगी से सरोबर है, सारी सड़कें खराब हो गई। सब चीज़ों को हम लोगों ने ले रखा है और धीरे धीरे करके सने सने सारे चीज़ों का निर्माण कार्य कराया जाएगा।